मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि डीसी मोटर है वो रेगुलेटर से कैसे कंट्रोल करनी है। अपना रेगुलेटर डीसी मोटर को कैसे कनेक्ट करना है, कौन से वायर को कनेक्ट करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो अपने पास थ्री कंपोनेंट्स है, एक है बैटरी, दूसरा है रेगुलेटर और तीसरा है अपना मोटर। तो बैटरी का ये रेड वायर है और ये ब्लैक वायर है। अभी ये इधर से दो वायर इधर से आए हुए अपने हुए अपने पास अभी बैटरी के दो वायर है, रेगुलेटर के तीन वायर है, रेगुलेटर के तीन वायर है और मोटर के दो वायर है। बैटरी का रेड और ब्लैक है और इसका रेगुलेटर का रेड येलो और ब्लैक है और मोटर का रेड और ब्लैक है। तो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ कि कैसे ज्वाइन करने हैं। तो अपना जो अभी मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कौन से वायर को कनेक्ट करना है। तो बैटरी का रेड, रेगुलेटर का रेड और मोटर का रेड, तीनों वायर जॉइंट करने हैं। तीनों वायर एक जगह जॉइंट किए, ये मैंने देखो कि ये तीन वायर रेड 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 एक जगह पे तीनों भी एक जगह कनेक्ट कर दिए। तीनों वायर एक जगह ही कनेक्ट करने हैं, बैटरी रेगुलेटर और मोटर के तीनों वायर एक जगह कनेक्ट करने। और बाकी रहा दूसरा, रेगुलेटर का ब्लैक और बैटरी का ब्लैक, वो दोनों साथ में कनेक्ट करने। रेगुलेटर का ब्लैक और बैटरी का ब्लैक दोनों साथ में कनेक्ट करने। और उसके बाद जो भी बाकी रहे हुए वो उसको साथ में कनेक्ट करने का, बस ये करोगे। तो अभी मैंने देखो कि मैंने किए हुए हैं और मैं ये देखिए तीन वायर मैं रेड कनेक्ट कर दिया, दूसरा वाला रेगुलेटर का और सॉरी बैटरी का ब्लैक और रेगुलेटर का ब्लैक, ये दोनों मैंने एक जगह कनेक्ट कर दिए, ये देखो ब्लैक ब्लैक। और बाकी जो भी रहेंगे वो साथ में कनेक्ट करेंगे, वो रहेगा रेगुलेटर का ब्लैक और रेगुलेटर का येलो और मोटर का ब्लैक, तो वो साथ में वो जो भी रहे वो उसको कनेक्ट करने के। और मैं अभी देखो मैंने कनेक्ट किए हुए और देखो कनेक्ट किए, उसके बाद अपना मोटर चालू होता है। ये अपना रेगुलेटर है, इससे मैं स्पीड कम ज़्यादा कर रहा हूँ।